सब लोग अपनी प्लेट करेंगे, एक कप देखो ना, मैं वहीं के वहीं तोड़ दूंगा। बिग बॉस 14 शुरू होते ही विवादों का सैलाब आना भी शुरू हो गया है। जहां सारा गोरपाल की शादी की खबरें सामने आने लगी, तो वहीं पवित्रा पूनिया की पारस छाबरा के साथ रही कॉन्ट्रोवर्शियल लव लाइफ भी सुर्खियां बटोर रही हैं। बता दें कि बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट पारस छाबरा के साथ पवित्रा पूनिया के अफेयर की खूब खबरें रही हैं। पवित्रा पूनिया और पारस छाबरा ने काफी वक्त तक एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन इसके बाद इनकी राहें अलग हो गई। अब जब पवित्रा पूनिया की बिग बॉस 14 में एंट्री हुई है, तो पारस छाबरा ने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया है। हाल ही में पारस छाबरा ने एक इंटरव्यू में पवित्रा पूनिया पर आरोप लगाते हुए अपने ब्रेकअप की चौंकाने वाली वजह बताई थी। इंटरव्यू में पारस छाबरा ने बताया था कि उनका और पवित्रा पूनिया का ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि पवित्रा ने उन्हें धोखा दिया था। पारस छाबरा ने बताया कि पवित्रा ने उनसे ये बात छुपाई थी कि वो पहले से शादीशुदा है। अब पवित्रा पूनिया के खिलाफ पारस छाबरा की सपोर्ट में उनकी दोस्त माहिरा शर्मा भी उतर आई हैं। माहिरा शर्मा ने हाल ही में इंटरव्यू के जरिए पवित्रा पूनिया के अतीत की निजी बातें खुलकर सबके सामने रखती है। माहिरा शर्मा ने कहा, मैं हमेशा ही सच के साथ खड़ी रही हूँ। मैं एक दोस्त की तरह उसे सपोर्ट भी करती, लेकिन उसने गलत और झूठ का रास्ता चुना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लड़कियां फेम के लिए पारस का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं। नागिन 3 के वक्त ही मुझे पता था कि वो शादीशुदा है, और उस वक्त वो पारस के अलावा एक और शख्स को डेट कर रही थी। वो एक साथ 3 रिश्तों में थी, और अब वो पारस को दोषी बताती हैं। सिर्फ इसलिए कि आप एक महिला हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप विक्टिम कार्ड खेलेंगी। अपनी गलतियों के लिए पारस पर इल्जाम डालना बंद करिए। अगर मुझे मौका मिला तो मैं बिग बॉस 14 में जाकर उनके चेहरे से नकाब हटा दूंगी। मैं सबके सामने सच्चाई ले आऊंगी। एक महिला के रूप में मैं पारस की ईमानदारी को समझती हूँ। महिलाएं हमेशा रोती नहीं रह सकती। इतना ही नहीं, इसके आगे माहिरा शर्मा ने कहा, अबला नारी की तरह बर्ताव करना बंद करो, क्योंकि तुम नहीं हो। दो आदमियों को एक साथ डेट करना और एक के साथ शादी, आप खुद 3 रिश्तों में थी और पारस को दोष दे रही हो। वाह, आपका दूसरा नाम ही घोटाला है, और विवाद तो आपका 24/7 मूड ही रहता है। ऐसा आपका व्यक्तित्व है। अगर मैं बिग बॉस में गई तो जरूर चाहूंगी कि पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नव भारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नित्या विश्वकर्मा, नव भारत मीडिया।